तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि हम सबके सब श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हम सबके सब यहाँ उपस्थित हुए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, भले एक जन्म नहीं जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हो तभी ये कथा सुनने को कभी मौका मिलता है। एक जन्म नहीं कहते करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो पुण्य उदय हो, इसलिए संतों का कहना है। जैसे आप आलीगांव, आलीगांव मतलब क्या है, एक भजन है ना, आली मोहे लागे वृंदावन को, भजन सुने कि नहीं, सुने कभी जाते कि नहीं, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मतलब होता है सखी, सचमुच से, अब आली मतलब होता है गोपियां है, सचमुच से अब लोग गुजरी है ना, गुजर कौन है, कन्हैया गुजर है और ये गोपियां गुजरी है, इसलिए ये गांव गुजरी होती गाँव है, मतलब आली मतलब होता है सखी ये गुजरी, इसलिए ये जो आली गांव है ना सचमुच से आप जो गुजरिया, आप लोगों जो गुजरी है सचमुच से जो आली गांव नाम दिया ना सचमुच से इसका नाम आली गांव है, मतलब आली मतलब सखी वा गुजरी और ये गुजरों का गांव है। और आप लोग ने जो ये भागवत कथा रखा ना है तो उसमें चार चांद लगा दिया और सबके सब गोपी बन गई, गले में कंठी तिलक माला हाँ, और घर घरे घर घरे ठाकुर जी का पूजा है, इसलिए वो भजन में गाते हैं, भले आली मोहे लागे वृंदावन जी को, 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 लागे वृंदावन जी को, सभी मोहे लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, सभी मोहे लागे वृंदावन जी को। छोटा माइक ला रहे हैं, इधर इधर सुना, ए हमारा छोटा माइक ले आओ, यहाँ किसी को घर में छोटा पंखा है, यहाँ बहुत गर्मी लग रहा है, कोई छोटी पंखा तुम्हारे घर में, किसको घर में पंखा, हमारे लाइट भी इतनी, कल 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 से ले आए, ठीक है कल कल से ले आना छोटी पंखा, और तुम लोग गर्मी नहीं लग रहा है अभी, आज तो धूप काम है, अरे गर्मी सर्दी हो रही है, कहाँ गर्मी हो रहा है, गर्मी कल से लगी, आज तो आकाश में मेघ है, हमको सर्दी लग रहा है, गर्मी नहीं लग रहा है, बोले गोविंद जय जय गोपाल।
नया जनरेटर का नहीं होगा, बिजली जाएगी ना बहुत बार। बोलो कितने से कितना तक? 3 से 6। ठीक है, 3 से 6 कर देंगे। ठीक है, कल से 3 से 6 तक कथा होगी। ठीक है, ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ सुना, इसलिए संतों का कहना है, ध्यान देकर सुनो, अभी इधर उधर मत मत लगा। हाँ देखो, ये जो भागवत है ना, इसको कल्प वृक्ष बताया। क्या बताया? बोले कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? बोले मतलब होता है जिसको नीचे बैठ करके अब जो मांगोगे, जो निर्धन है उसे भागवत धन प्रदान करता है, जो रोगी है उसको निरोग प्रदान करता है, जो दुखी है उसके सुख प्रदान करती है, जिनकी संतान नहीं उन्हें संतान प्रदान करती है, जिनको मुक्ति चाहिए उन्हें मुक्ति प्रदान करती है, और जिसको भक्ति चाहिए उन्हें ये भक्ति प्रदान करती है। लेकिन कथा सुनने ठीक से ऐसे नहीं, जब कथा पूरी होने जा रही है लाच में आई, नहीं तो बीच कथा में आई, नहीं, कथा को एकदम प्रेम से एक मन से कथा सुननी चाहिए, तभी ये भागवत जो मांगोगे वही देगा। देखो कथा सुनने का क्या नियम है, ए बच्चे कोई बात मत करो, इधर उधर घूमना नहीं, जो घूमेगा उसको नीचे उतार देते, सब चुपचाप बैठ जाओ। देखो कथा सुनने का नियम है, बोले 7 दिन तक बिना खाए पिए कथा सुनो, कुछ खाना नहीं,
आप बोलोगे भैया भूखे ना भजन होए गोपाल, ले ले तेरे कच्ची वाला, हम तो भूखे से कथा नहीं सुन सकते हैं। बोले अगर भूखे से कथा नहीं सुन सकते हो, बोले सात जो नियम मैं बता रहा हूँ तुमसे जितना संभव कर लेना। अगर भूखे से कथा नहीं सुन सकते हो, बोले सात दिन तक घी पी पी कर कथा सुन। बोले भैया घी पिए तो पेट पतला हो जाएगा, और एक किलो प्योर घी तो 1,000-1,500 रुपया। कहते अगर घी पी कर कथा नहीं सुन सकते हो, फलाहार करके कथा सुन। कैसे? अभी नवरात्रि गई ने, नवरात्रि रख रहे थे सबके सब, कौन कौन रख रहे थे? अभी तो 9 दिन तक फलाहार फलाहार भी हो। बोले अगर फलाहार करके कथा सुन। हाँ सुनो, अगर इसमें तुमको कष्ट है, सबसे जो बढ़िया नियम बताया, एक बार फलाहार करो और एक बार अच्छे तरह से भोजन कर लो। इसको सबसे बढ़िया नियम बताया, एक बार पेट भर करके भोजन करो बढ़िया से, और एक बार फलाहार कर लो, ये सबसे बढ़िया नियम। अगर इसमें भी किसको कष्ट हो, कहते भैया जितना बार भोजन करना करो दिन भर खाओ, लेकिन एक कथा नियम से कथा को, नियम से कथा सुनो, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे बढ़िया नियम है, एक बार फलाहार और एक बार भोजन, ये सबसे बेस्ट नियम है। क्योंकि जब तक कोई, अभी जैसे नवरात्रि रख रही थी, 9 दिन तक फलाहार कर रही थी ना, उसी तरह भागवत माता देवी तो कोई छोटी सी चीज देगी, लेकिन भागवत ऐसे की चीज है जो मांगोगे। अभी हम नोएडा से कथा करके आए, एक माता जी 20 साल से संतान नहीं था, सारा दुनिया सब कुछ उसने कर लिया, लेकिन उसने 9 दिन तक 7 दिन तक केवल कथा नियम से सुने। भागवत में फल ला कर रखी और कथा के बाद उसने फल खाए, अभी उनको एक संतान हुआ है। कहते महाराज जी ये 20-25 साल के बाद में ये भागवत सुनकर के मेरे को बेटा की प्राप्ति हुई है। मतलब आप नियम से अगर 7 दिन तक सही सही कथा सुनोगे, सही सही कथा सुनोगे, जो मांगोगे भागवत से, भागवत तुमको 7 दिन में सारे इच्छा पूरी करते, सब इच्छा को पूरी करती है। इसलिए भागवत को कल्प वृक्ष बताया। क्या बताया? ये कल्प वृक्ष है, कथा नहीं सुन रहे हो, कल्प वृक्ष को नीचे हम बैठे, ठीक है ना। इसलिए एकदम ऐसे नहीं 3 बजे कथा रहेगा और 5 बजे आ रहे, नहीं। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए? हनुमान जैसे। कैसे कथा सुननी चाहिए? कैसे? हनुमान। आप देखना कहीं भी राम कथा होगा ना, सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर लिखेगा। इसलिए राम कथा के सबसे बड़े जो रसिया श्री हनुमान जी, जहां जहां कथा हो हनुमान जी उतना रूप धारण करके कथा से पहले जाएंगे और जाकर क्या बैठ जाएंगे। देखो कथा सुनने का क्या नियम है, जहां पर ये भागवत कथा हो, भागवत में बताए, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है। इसलिए जिस समय श्री चतुसन्ने हरिद्वार में श्री आनंद नामक घाट पर जब उन्होंने ये भागवत कथा सुनाने के लिए गए, और श्री गोकर्ण नहीं कथा सुनाने के लिए गए, जब ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए थे, ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए थे, जब कथा सुनाने के लिए गए, जब पता चला चतुसन भागवत कथा हरिद्वार में आनंद नाम घाट पर कथा सुनाएंगे, सबसे पहले कौन आए? जितने साधु संत आए, उसको बाद में बोले स्वर्ग से देवता भी उतर करके आए। मतलब जहां कथा होती है स्वर्ग से देवता भी उतर करके कथा में बैठते हैं। बोले मोह जन तपलोक से जितने बड़े बड़े संत, व्यास पराशर वशिष्ठ पुलस्त पुलह, ये जितने सारे ऋषि मुनि भी कथा सुनने के लिए ब्रह्म लोक से तप लोक से आए। केवल इतना नहीं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया ये तीर्थ भी आए। केवल इतना नहीं, बोले गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी ये सारे तीर्थ मूर्तिमान रूप लेकर के सबके सब कथा सुनने के लिए सबके सब आए। बोले इतना नहीं, जितने दंडकारण्य आदि जितने वन हैं वो भी मूर्तिमान रूप में आए, और जो नहीं आए अगस्त जी घर घर में गए, घर घर में अगस्त ऋषि गए। अगस्त कौन है? जो एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र का पानी
जो पान कर लिया था। अगस्त जी घर घर में गए, बोले सुने हो भागवत कथा हो रही है कहां, हरिद्वार में, और चतुसन ये कथा सुना रहे हैं। चलो बड़े भाग्य से करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी जीवन में भागवत कथा सुनने के लिए मिलते। चलो सबके सब कथा सुनने के लिए आए। मतलब क्या है देखो, मतलब है आप लोग सोचते होंगे यहाँ तो हम अकेले ही कथा सुन रहे, नहीं, जितने ऋषि मुनि पवित्र नदी वो भी जहां कथा कहीं ना कहीं आकर के बैठ जाते, छुप करके बैठ जाते हैं और बैठ करके हाथ जोड़ करके हैं गदगद होकर के कथा सुनते हैं। इसलिए भागवत में बताए सर्पाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी के सारे तीर्थ वही निवास करते हैं। बोले कहा, बोले जथा चुता दर कथा प्रसिद्ध, जहां पर ये भगवान की, जहां पर ये भागवत ग्रंथ हो सारे ऋषि मुनि सब बैठ करके सुनते हैं, सारे तीर्थ आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बताए पृथ्वी में कितने सारे तीर्थ हैं, अगर किसकी व्यक्ति के मन में इच्छा होना ये पृथ्वी की सारे तीर्थ में हम स्नान करेंगे, असंभव है। पृथ्वी में इतने सारे तीर्थ है करोड़ों रुपया में भी तुम स्नान नहीं कर सकते हो। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर किसी ने ये भागवत कथा रूपी गंगा में नहा ले, मतलब अगर कोई भागवत कथा सुन ले, समझो बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में बिना पैसा के स्नान हो जाए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उससे भी ज्यादा पुण्य मिलेगी, क्यों, कथा गंगा जमुना स्नान करोगे, स्नान करके जाओगे थोड़ी पाप खत्म होगा और कुछ नहीं, फिर आकर के द्वार फिर पाप करोगे। लेकिन कथा रूपी गंगा में अगर गोता लगा दिया ना, अंदर भी शुद्ध और बाहर भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, और भगवान की भक्ति रस में सराबर हो जाओगे, प्रभु की भक्ति में डूब जाओगे, प्रभु की भक्ति में। इसलिए कहते हैं तीर्थ में स्नान करने से भी ज्यादा पुण्य है अगर कोई ये भागवत कथा रूपी अमृत में गोता कोई लगा दे। ठीक है ना, एक बार जयकार दो भागवत की, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, आनंद नहीं आया, कोई है और कोई जय कह रहे हो, जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, अभी लग रहा है कथा हो रही है। इसलिए बड़े भाग्य से संतों का कहना है, ध्यान से सुनो कि जो भागवत कथा रखना और सुनना, इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में पैसा होना जो काम रखा सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमें कोई लोग जन कोई मदद कर रहे हैं जिससे हम काम कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारा पास में मन की बल हो, अरे जो कुछ हो जाए कथा करके छोड़ दे, जो कुछ होने दो लेकिन कथा करके ही रहेंगे, कहते मन की बल हो ना जी काम कर सकते हैं। लेकिन जगत में सबसे जो बड़ा बल आत्मा बल, अगर तुम्हारी आत्मा बल हो जो काम को तुम कर सकते हो। लेकिन हमारे बड़े गुरु जी कहते थे कि जो भागवत कथा आप लोग सुन रहे हो, जो भागवत कथा रख रहे हो ना, कहते ना तो कोई पैसा की बल कर सकता है, न तो कोई मन की बल से कर सकता है, न तो कोई जन की बल से कर सकता है, न तो कोई आत्मा बल से कर सकता है। जब तक बांके बिहारी जी की कृपा बल नहीं हो, जब तक साधु संत की कृपा बल नहीं होना, तब ये कथा कोई रख भी नहीं सकते और कथा कोई सुन भी नहीं सकते है। इसलिए आप लोग ने जो कथा सुनने के लिए आए हो, सब जो एक जन्म नहीं आपकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ हो जो कि ये भागवत कथा सुनने के लिए आया। इसलिए चतुसन जब ये कथा सुनाने जा रहे थे, देखो कितना महिमा भागवत की, साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न हो गए, बोले भैया भागवत कथा होने जा रही है, कितने भाग्य की बात है। भागवत कथा जितने सारे देवा देवी थे स्वर्ग से पारिजात की पुष्प को बौछार की, शंख बजाए, नगड़ा बजाए, मृदंग बजरा बजाए, शंख ध्वनि की और भागवत की जयकार देते हैं, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। इसका मतलब क्या है, बोले मतलब है जिस गांव में ये भागवत कथा हो देवता भी खुश हो जाते हैं,
देवता भी खुश हो जाते हैं। देखो कितने पुण्यात्मा हैं ये लोग, भागवत कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं। इसलिए श्री शंकर जी ये माता पार्वती को कहते हैं। कौन कह रहे हैं? शंकर जी। शंकर जी कौन है? देव देव महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर जी कह रहे हैं, बोले किसको कह रहे हैं? बोले जगत अब्बा जगत जननी को कह रहे हैं। बोले क्या कह रही हैं? बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, परिवार धन दौलत। कहते एक पापी को पास में भी ये चीज होता है, लेकिन पार्वती ये जो भागवत कथा है, सत्य संगति दुर्लभ संसारा, इसी संसार में जो भागवत कथा बड़ा दुर्लभ है। बड़े किस्मत वालों को जीवन में ये भागवत कथा सुनने को मिलती है। देखो माँ पार्वती क्या प्रश्न करती है, बोले प्रभु जी कह रहे हो सत्य संगति दुर्लभ संसारा। बोले हाँ। बोले दुर्लभ कहाँ है? देखो सुलभ है ना, आली गांव में कथा हो रही ना, अब घर घर में गए होंगे भिक्षा मांगने के लिए। चलो हम सब मिलकर कथा करेंगे, सबको नौता दिए होंगे ना, भागवत कथा में आना, भागवत कथा में आना, कथा सुनने के लिए। सबको बोले होंगे कि नहीं? बोले होंगे। इसलिए शंकर पार्वती कहती है, बोले प्रभु कहते हो सत्य संगति दुर्लभ संसारा। बोले हाँ। बोले दुर्लभ कहाँ? देखो सुलभ हो गया ना, यहाँ कथा हो रही है, सुलभ हो गई कि नहीं? अब तो दुर्लभ कहते हो। देखो शंकर जी क्या कहते, ध्यान से सुना। बोले आपते ही सर अति कठिनाई, आपते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा रखवाओगे, घर घर में नौता भी दोगे, लेकिन पार्वती कोई आएगा नहीं। कहते आप तो यही सर अति कठिनाई, कथा में आना ना। बोले बहन तू चले जा, मैं अपना सारे काम निपटा करके ना मैं आ जाऊंगी, सारे काम निपटा करके मैं आ जाऊंगी। अभी तो किसी का काम तो भी निपटा है। बोले भैया खुद निपट जाओगे, लेकिन तुम्हारी काम नहीं निपटेगा। अगर किसको पता चले यहाँ पर शाहरुख खान आ रहा है, आज हेमा मालिनी आई, ए क्या कर रहे हो? ए मैं पीछे जाओ, बाद में कर देना, कथा जब हो जाएगी। अभी तो क्या सो रहे थे? अभी ये माइक लाइट का क्या जरूरत दिन में? पंखे लगाना है आपको? हां, पंखे कथा के बाद में लगाना, ठीक है? अभी 10 मिनट हम कथा को विश्राम दे देंगे, कल से कथा सही होगी, इसलिए अच्छे तरह से लगा देना, ठीक है? और हो सके ना इसके ऊपर और एक प्लास्टिक लगा देना, नहीं तो गर्मी होगा तो आप बैठ नहीं पाओगे। अरे 3 बजे कथा रख रहे हो, बहुत धूप होगी, इसलिए अगर कोई प्लास्टिक लगा दो तो अच्छा रहेगा, फिर आप लोग चैन से फिर बैठ कर कथा सुन पाओगे, ठीक है? हरे कृष्ण। इसलिए अगर किसको पता चले यहाँ पर ऐश्वर्या राय आ रही है, शाहरुख खान आ रहा है, हेमा मालिनी आ रही है, अमिताभ बच्चन आएगा, अगर पता चलेगा ना यहाँ आने वाले कितने लोग आएंगे बताओ तो यहाँ पर,
यहाँ पर जगह नहीं हुई बैठने के लिए, पैर रखने तक भी जगह यहाँ पर किसलिए खड़े हो, चुप बैठो। इसलिए जब कथा जब हो ना इधर तो डिस्टर्ब नहीं करने से, इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सरल अति कठिन है, लेकिन अगर भगवान की कथा में ना पार्वती सहज में कोई नहीं आएगा, लेकिन कोई गलत काम हो पार्वती उसी के लिए तो लोग तैयार हो जाएंगे, हैं? कोई गलत काम हो ना लोग तैयार पहले बैठेंगे, लेकिन कोई अच्छे काम हो पार्वती सहज में कोई नहीं आने वाले, इसलिए लेकिन कौन आएगा बोले राम कृपा बिनो आए नहीं जाए। जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं हो पार्वती, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हो पार्वती, ये कथा में कोई नहीं आएगा। इसलिए तब माता पार्वती प्रश्न करती है शंकर जी को, कहते प्रभु जी ये बताओ फिर ये कथा सुनने के लिए कौन कौन आते हैं, कथा सुनने के लिए कौन कौन कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो शंकर जी खुद कहते हैं बोले अति हरी कृपा जा पर होई पाप देही या संगत सुन, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा, अति मतलब जिसको ऊपर में डायरेक्ट कृपा ठाकुर जी का हो जाए, कहते पार्वती पाप देही या संगत सोई, वही व्यक्ति भगवान की कथा में आ सकता है। उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारी घर में शादी हो रही है, तुम्हारी घर में शादी हो रही है, बताओ वो शादी में कौन कौन आएंगे, कौन कौन आएंगे? अब जिसको बुलाओगे, अब जिसको बुलाओगे वही आएगा। देखना तुम्हारी घर के पास में कोई एक व्यक्ति हो, लेकिन आप उसको नौता मत दो, निमंत्रण अपना जाचे, अपना जाचे ना की ठीक है, अब अगर समय वाला आ सके ठीक है, कि जो प्रसाद प्रसाद खेलेंगे कि ना, हाँ ठीक हरे कृष्ण। आज ये लोग सब भूखे हैं, कल से लेकर गए ना, इसलिए सबके सब व्रत रखे, इसलिए थोड़ी सी कथा करके हम छोड़ देंगे, और भूखे से सब भूखे से सब ठीक है, 10 मिनट में विश्राम दे देंगे ठीक है, आप लोग आओ टाइम होगा तो आना ठीक है। এটা তো কৃষ্ণ দাসের ভাই লাগছে বলে শ্রী বৃন্দাব নবিহারি লাল কি জয় জয় শ্রী রাম। इसलिए श्री शंकर जी कहते पार्वती कहते कथा सुनने के लिए कौन आएगा, बोले जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो वही कथा सुनने के लिए आई। जैसे उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारी घर में शादी हो रही है, बताओ वो शादी में कौन आएगा, आप जिसको निमंत्रण दो। घर के पास में एक घर है, 9 इंची की दीवार है, उसको पास में कोई है, अगर आप उसको निमंत्रण मत दो, नौता मत दो, वो आएगा तुम्हारी घर में। अगर कोई 1000 किलोमीटर दूर में कोई रिश्तेदार होगा, अगर आप उसको निमंत्रण दोगे ना, देखा वहां से तो वो आ जाएगा, लेकिन घर के पास का व्यक्ति नहीं आएगा। बोले क्यों, बोले तुम उसको नौता ही नहीं दिए, उसको निमंत्रण नहीं दिए ठीक है ना। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा में कौन आएगा, ये कथा सुनने के लिए कौन आएगा, बोले जिसको ठाकुर जी नौता दिए, जिसको ठाकुर जी निमंत्रण दिए हैं, भैया कथा में आ जाना। इसलिए आप लोग जो आए ना, आपको बांके भी आए ने नौता दिया है। अभी तो फोन सिस्टम हो गया ना, हेलो, अभी फोन का सिस्टम हो गया ना, फिर फोन करो ना, देखना अपना तुम्हारी नंबर भी फोन में आ जाती है, तुम्हारी नंबर भी फोन में आ जाती है ना। इसलिए मानो आज ठाकुर जी आप लोगों को फोन किया है, बांके बिहारी ने कौन कौन आए, जिसको बांके बिहारी यहाँ पर फोन किया है और निमंत्रण दिया है, शंकर जी कहते हैं वही व्यक्ति ही ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए वही आ सकते हैं। ये शंकर जी ये पार्वती को ये बात कह रहे हैं, इसलिए समझो आज हम लोग का बहुत बहुत अच्छा दिन है, जो कि हम सबके सब श्रीमद भागवत कथा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखो भागवत कथा के कितने महत्व है, हम लोग ने गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुने होंगे,
जब श्री धुंधुकारी को बेस्याओं ने बड़ी बुरी तरह से मार डाला, गले में फांस लगा करके हाथ दोनों छह बेस्याओं ने दो बेस्या दो हाथ पकड़े, दो बेस्या दो प्यार और दो बेस्या ने गला में रस्सी बांध करके बुरी तरह से मारने के लिए कोशिश की, जब मरा नहीं उसको मुंह में अंगारा ठोस ठोस करके उसको मुंह में उसको बुरी तरह से मार डाला और उसको गड्ढे खोद कर गाड़ दिए और भाग गए। लोगों ने पूछा भैया पति कहाँ गया, बोले पति बिजनेस में गया है, झूठ बोल रही है, वो विदेश गया है। लेकिन ये बेस्याओं ने किया कि घर में गड्ढे खोद करके उसको कार करके चली गई। अभी जो अपमृत्यु होगा वो प्रेतात्मा होता है, भूत बन गया। गोकर्ण घर में आया जब सो रहा था, कभी हाथी बन करके, कभी घोड़े बन करके, कभी बिल्ली बन करके उसको डरा रहा था। इतने में गोकर्ण तो भजन करता है, भक्ति करता है, उसकी गले में तुलसी की कंठी है और तिलक लगाता है और ये माला जप करता है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोलो, सबके सब जोर से, देखो जितने जोर से नाम लोगे ना तुम्हारी गांव के सारे अमंगल दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो भगवान के नाम से कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, जितने जोर से ठाकुर का नाम जप करोगे इसका ध्वनि इतना दूर तक फैलेगी, किसी तरह का भूत पिशाच डाकी निसाकी कोई दुख दरिद्र रह नहीं सकता है, ठीक है ना। जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो गोकर्ण वो भगवान का नाम जप करता है, कल में कंठी तिलक है, ध्यान रख सुनो, जिसको पास में कंठी तिलक माला जप करता है ना, भूत उसको कुछ नहीं कर सकता है, उसको डर भाई कुछ नहीं। वो बिल्ली घोड़ा होकर डरा रहा था, उसने पूछा भैया तू है कौन, इतने में वो बोलना चाहता है लेकिन प्रेत है ना, वो बोल नहीं पाता, नाक में धीरे धीरे बोल रहा था। इतने में उन्होंने पानी लेकर के मंत्र पुत किया और उनको ऊपर में छिड़काव कर दिया, करते ही उसका जो पाप थोड़ी कम हो गया, जब कम हो गया फिर उसने बोला, बोले भैया मैं तेरे भैया बोले मैंने गया तेरे नाम पर पिंड दिया, मेरे को जो पता चला तुम्हारा मृत्यु हो गई, मैंने गया में तेरे नाम पर पिंड दिया है। गया में गए हो, कौन कौन गया में गए हो, एक माता जी और देखना, यहाँ गया में भगवान की चरण चिन्ह है, भगवान खुद बोले ये गया नाम के दैत्य था, वो बड़ा बलवान था, भगवान ने उसको छाती के ऊपर चरण रखे, अभी भी वो चरण छाप वहां पर है, भगवान का वरदान है। मरने का बाद अगर कोई एक बार गया चली जाए और उसका नाम पर पिंड देकर के आ जाए ना, जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो उसकी पाप मुक्ति हो जाएगी। बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया है, क्या तेरे को मुक्ति नहीं मिली, बोले भैया मैंने इतने पाप मैंने की, मेरे नाम पर एक बार नहीं 100 बार भी पिंड दोगे मेरे उद्धार होने वाला नहीं। क्यों, बोले इतने पिताजी को तो इतने पिताजी को सताया, पिता तो घर छोड़कर भाग गए, मैया जी को पिटाई किया इतने, मैया तो कुएं में आत्महत्या की, फिर छह बेस्या को मैंने रखा और जितने गुंडागर थे बदमाशी दूसरे घर में आग लगाना चोरी करना किसी बच्चे को कुएं के पास में खेलते हुए धक्का मार करके गिरा देना, मैंने बड़े से बड़े पाप किया है, इसलिए गया में पिंड देने पर मेरे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब उन्हें सूर्य देवता को पूछे भैया इतने बड़े पापी को मुक्ति कैसे मिलेगी, बोले भागवत कथा से, कैसे मिलेगी भागवत कथा से। इसलिए जब उन्हें केवल भागवत कथा सुने, 7 दांत का उन्होंने बांस गाड़ दिए, पहला दिन में पहला गांठ टूटी, दूसरे दिन में दूसरे, तीसरे में तीसरे, 7 दिन में 7 गांठ फट गई और एक सुंदर रूप दीपता रूप निकला। वैकुंठ से रथ आया, रथ में बैठी करके जो जा रहा था इतने में गोकर्ण प्रश्न करता है विष्णु दूतों को, बोले भैया यहाँ तो इतने सारे लोग बैठे हुए कथा में, सभी के लिए तो रथ आना चाहिए ना, लेकिन एक
ही रथ क्यों लाए हो, सभी के लिए क्यों नहीं रथ लाया? बोले देखो, देखने के लिए तो इतने लोग बैठे हैं, लेकिन एक कथा केवल एक व्यक्ति सुन रहा था। बोले क्यों किसो बैठे हुए जो? बोले बैठने पर थोड़ी होगा, कथा तो सुननी चाहिए ना। कोई यहाँ पर बैठ करके घर की याद कर रहे थे, कोई पर यहाँ पर बैठ कर आपस में बात कर रहे थे, हैं? इसलिए कहते कथा एक मन से सुनना पड़ेगा। बोले कथा सुनने का देखो ध्यान सुन लो। बोले पहला नियम है विश्वास गुरु वाक्य, सबसे पहला नियम विश्वास करो गुरु जी की वाक्य के ऊपर में। पहला नंबर ये शास्त्र ग्रंथ में विश्वास करो, ये मत समझो अरे सब गप्पे हैं, किसने भूत पिशाच देखा है, ये पंडित लोग तो पेट पालने के लिए सब गप्पे बना दिए हैं। फिर ये कथा तो फिर आपको 12 बजे भगवान जन्म लेते हैं, ठाकुर जी जन्म हुए, अभिषेक हुआ, लोग प्रसाद पाए, अभी हो गया एक। गुरु जी को बोला गुरु जी मैं घर में जा रहा हूँ। बोले क्यों, इतने रात में कहाँ जाओ, सो जाओ कल सवेर चले जाना। बोले नहीं गुरु जी मेरे को जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले गुरु जी जब मैं घर में जाऊंगा ना आपको याद करूंगा, सवेरे गुरु जी को पास में जाना, ठाकुर को सेवा करना, अगर यहाँ पर रात को रुकूंगा तो मेरा मन अपना बीवी बच्चों का याद करेगा, इसलिए गुरु जी बताओ सही किया। अभी यहाँ रह करके बीवी बच्चों को याद करे सही, ना घर में जा करके आपको ठाकुर जी को याद करे सही? बोले बात तो सही बता रहे हो। बोले ठीक है बेटा तू चले जा। बोले गुरु जी जाओ कैसे, बीच में नदी पड़ेगी, अभी केवट सो गया होगा, हमको पार कौन करेगा? बोले चिंता मत करो, तेरे को एक मंत्र लिख करके देता हूँ कागज में, उसको अच्छे तरह से पकड़ना है, अच्छे तरह से पकड़ना, तुम ये नदी को पार हो जाओगे। बोले कैसे मंत्र? बोले हाँ अभी गुरु जी ने बताया ना, नदी पार हो जाओगे। वो कागज को उन्होंने इसे पकड़ लिया और विश्वास करके गुरु जी ने बताया पार हो जाओगे, इसलिए उन्होंने जब चल रहा था सचमुच से पानी के ऊपर में, वो चलते चलते पानी के ऊपर जा रहा था। बोले भैया गुरु जी ने क्या मंत्र दिया जो पानी के ऊपर में चलते चलते जा रहा, अभी करीब करीब पार ही हो गया, अभी थोड़ी सी बाकी। बोले भैया गुरु जी क्या लिखा इसमें, एक बार खोल करके देखता हूं इसमें क्या है। अभी उसने वो पेपर को जो था ना कागज को खोला, लेकिन उसमें लिखा हुआ था भगवान का नाम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? बोले हरे कृष्ण, बोलो सबके सब। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, आप बोलो मैं सुनूंगा। हरे राम 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 हरे हरे, यही लिखा हुआ था। इतने में बोला तो बोला हरे कृष्ण और कुछ नहीं, इतना ही। देखो अभी विश्वास था ना, पानी के ऊपर चल रहा था, लेकिन जब देखा उसमें हरे कृष्ण नाम लिखा हुआ, बोले यही और कुछ है नहीं, बस झट पानी में डूब गया। देखो ये चीज को समझो, इसलिए भजन गाते हैं ना, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा है। इसलिए श्री हनुमान जी, भगवान राम को पुल की जरूरत पड़ा लंका जाने के लिए, लेकिन हनुमान जी क्या किया, जय श्री राम बोल करके समुद्र को लग गया। द्रौपदी ने जब नाम को पुकारी, कहा भगवान द्वारका में, कहा हस्तिनापुर में भगवान का नाम लिया, तो ठाकुर जी वहां से वस्त्र प्रदान किया, ठीक है ना। इसलिए गुरु जी ने जो नाम दिया है ना उसमें विश्वास करो, ऐसे नहीं बोले अभी तक जप किया तो कुछ हो ही नहीं रहा है, गुरु जी और कोई मंत्र है ना किया, नहीं, भगवान का नाम से ही कल्याण होगा। और इधर उधर हमें भटकना नहीं, अमुक कोई बाबा निकला चलो वहां पर चले जाते हैं, नहीं हमने काम नहीं, बोले अमुक जगह पर कोई देवी है चलो। देखो भगवान के नाम से अगर कोई तुम्हारी कुछ हुआ नहीं ना, दुनिया में ऐसे कोई दवा नहीं जो कि हमारे कल्याण कर सकता है, अगर कल्याण करेगा तो भगवान का नाम ही हमारी कल्याण करने वाले, क्या करने वाले, भगवान का नाम ही हमें उद्धार करने वाले। इसलिए इधर उधर हमें नहीं जाने का, इधर उधर हमें नहीं जाने का, दृढ़ विश्वास करके भगवान की नाम को जप करना, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर बताए पहला नंबर है गुरु जी की वाक्यों को विश्वास करके भगवान की भजन करो, ठीक है। फिर उन्होंने गोकर्ण ने
फिर दोबारा सबको बुलाया, बोले देखो ज्यादा दिन नहीं, कितना दिन है कथा, कितना दिन होगी, 7 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 7 दिन भगवान की केवल कथा सुना, एक मन से हम लोग दुख कष्ट से मुक्ति होकर के हम भगवान के पास में चले जाएंगे, फिर कल से हम लोग टाइम से कथा सुनने के लिए आना, टाइम से कथा सुनने के लिए आना, केवल हम 7 दिन कथा सुनेंगे और संसार से हमारी उद्धार हो जाएगी। फिर उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने टाइम से सबके सब एक मन से कथा सुनी, कथा सुनते समय तो कथा सुनी, फिर घर में गई तो क्या किया, फिर झगड़ा किया, सास ननद बहू में झगड़ा नहीं, देखो इसलिए 7 दिन तक झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, ठीक है ना, और नियम से कथा सुनना, साधारण बिस्तर में सोना, और प्याज लहसुन नहीं खाना, तंबाकू नहीं फूकना, और हुक्का नहीं खाना, ठीक है, और कोई गंदी चीज को नहीं लेना 7 दिन तक। अगर एक मन से कथा सुनोगे ना, देखोगे जब कथा खत्म होगी हम सबके लिए एक एक रथ आएगा, और हम सबके सब कहाँ जाएंगे, ठाकुर जी की चरण में स्थान मिलेगा, ठीक है ना। अगर सचमुच से रथ आ गया, जाओगे सबके सब, कौन कौन जाएगा हाथ उठाओ, अगर वैकुंठ से रथ आया, बोले हमारे आदि गाँव के लोग बहुत अच्छे, आली गांव के लोग तो बहुत बढ़िया लोग हैं सब, हाँ देखो आप लोग सचमुच से बहुत अच्छे हो। और कहीं कहीं में हमने पूछा है ना, थोड़ा ध्यान दे करके, मैंने सब जगह में जाता हूँ, किसको पूछा है ना, बोले रथ आएगा तो हम नहीं जाएंगे, बोले क्यों, रथ आएगा तो हम घर में भाग जाएंगे, बोले क्यों, बोले बेटी की अभी शादी नहीं हुई, बेटा का शादी नहीं हुआ, अभी पति को रोटी को नहीं खिलाई है, हम चले जाएंगे। लेकिन ये आली गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, ये सबके सब बोलते हैं हम ठाकुर के पास में जाना चाहते, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए सबके सब ठाकुर जी के पास में गए। बोले भैया कथा कैसे सुननी चाहिए, ध्यान देकर सुनो, और 2 मिनट सुनाता हूँ, फिर आज कथा को विश्राम दे दूंगा। कथा कैसे सुननी चाहिए, कहते जो श्रोता है, देखो बच्चे लोग ध्यान देकर सुनो, कल ये बच्चों को पूछूंगा, बड़ों को नहीं पूछूंगा, कल जो बता देगा ना श्रोता, अभी मैं बताऊंगा श्रोता कैसे है, अगर जो मेरे कल बता दूंगा उसको मैं इनाम दूंगा। जो पीछे बच्चे बैठे हैं तुम लोग ध्यान से सुनो, ठीक है ना, ये माताएं तो बुजुर्ग हो गई है, और जो थोड़ी सी अभी यंग है आप लोग याद करना, मैं देखूंगा जो कल मेरे को बोलेगा उसको बढ़िया इनाम दूंगा। कहते कथा जो श्रोता है 2 तरह के, कितने तरह के, कितने तरह के, एक श्रोता बहुत अच्छे श्रोता, जो अच्छे श्रोता 4 तरह की, जिसको हम ठाकुर को सेवा में लगा दें, लेकिन मक्खी कहाँ बैठता है, गंदी चीज में, इसलिए हमें मक्खी नहीं बनना, हमें क्या बनना, हमें मधुमक्खी। आप देखना कांटा के वृक्ष में अगर फूल होना, ये मधुमक्खी वहां भी बैठ करके शहद को ग्रहण कर लेगा, इसलिए हमें मक्खी नहीं बनकर क्या बनना है, हमें मधुमक्खी, पहला नंबर है। दूसरा नंबर में हंस, हंस को आप दूध दो, देखना वो तो दूध दूध को पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा है? हमें हंस बन करके जीवन में अच्छाई चीज को लो और गंदी चीज को बुरी चीज को, यदि ये चातर, ये एक चिड़िया होता है, ये किसी नदी का पानी पीता नहीं, किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, कब पिएगा, जब बारिश ही होना तभी वो पानी को पिएगा, इसलिए हर समय वो बोलता है प्यासा प्यासा, मेरे को पानी 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 करके चिल्लाते रहता है। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, चातक जैसे एक मन से कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं दुनियादारी चुगली, किसी बहू की बेटी की कोई चुगली नहीं, ये सब कथा नहीं सुनकर किसकी कथा सुनेंगे, ठाकुर जी की भगवान की कथा सुनेंगे। कभी ये 4 तरह के अच्छे श्रोता है, कहते 4 तरह के, कभी ये साधारण श्रोता है, पहला नंबर है भुरुन, कभी ये हिमालय में एक चिड़िया रहता है, हिमालय में एक चिड़िया रहता है, कहते उसको स्वभाव कैसे, आप उसको जैसे सुनाओ ना वो ठीक वैसे तुम्हें 2 बार सुना देगा, सुन भी लेगा और जीवन में सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में एक शब्द नहीं उतारेगा, सुनेगा सुना देगा लेकिन जीवन में एक शब्द नहीं उतारेगा। देखो एक समय कोई एक कथाकार था, रोज कथा में जाए, ध्यान देकर सुनो, रोज में कथा में कथा सुनाता है पंडित जी, लेकिन पंडित यानी जो थी बड़ी भक्ति, जैसे आली गांव गोपियां
हैं, ये बड़ी भक्तिमती, ये पंडित यानी कहता था पंडित जी तुम रोज रोज कथा सुनाते हो, मेरे को भी तो ले जाया करो, मैंने सुना तुम तो बड़ी प्यारी कथा सुनाते हो। एक दिन एकादशी की व्रत आ गई, बोले कम से कम आज तो ले जाओ, आज एकादशी व्रत है। बोले तू पंडित यानी तेरे को कथा सुनने का क्या जरूरत है, बोले एक बार मेरे को ले जाओ। तब ले गए और पंडित जी ने कथा सुनाया, भैया आज एकादशी व्रत है, एकादशी का प्रतिदिन अन्न नहीं खानी चाहिए, अन्न में गौ हत्या नर हत्या भ्रूण हत्या ये सारे पाप रहता है, जो एकादशी का दिन अन्न खाएगा सारे पाप भोजन है, और जो एकादशी व्रत है, अभी जो कल जो एकादशी व्रत गई ना, कब कल ना परसों गई, उसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, नाम कामदा एकादशी था। कामदा मतलब जो कुछ आप इच्छा करोगे कामना करोगे वो एकादशी सब कामना को पूरी करती है, उसको पहले जो थी उसका नाम पाप मोचनी, अगर वो एकादशी व्रत करेगा सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसमें 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, 15 दिन में हाँ एक बार एकादशी आती है, जो कुछ एकादशी से मांगो हरे कृष्णा, जो कुछ एकादशी व्रत से एकादशी व्रत से जो कुछ मांगोगे ये एकादशी सब इच्छाओं की एकादशी, बोले एकादशी तिथि की एक दिन तो सुनाएंगे बढ़िया करके। इसलिए तब पंडित ने खूब एकादशी कथा सुनाई, पंडित ने कहा पंडित इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं हमको नहीं ले आते हैं। नंद बाबा की घर में पुत्र नहीं था, उनके घर में पुत्र नहीं थी, कृष्ण नहीं थे, उनने सारे यज्ञ सारे व्रत किए थे, लेकिन जब संतान नहीं हुई एक दिन नंद जसोदा सोच रहे हैं हमने तो सारे व्रत किया लेकिन एक व्रत नहीं किया, कौन सा व्रत नहीं किया, एकादशी व्रत हमने नहीं की। एकादशी में एक व्रत पुत्रदा एकादशी, क्या नाम है पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जिसको पुत्र नहीं है संतान नहीं, अगर वो एकादशी करेगा तो जरूर घर में पुत्र जन्म लेगा। नंद जसोदा ने ये पुत्रदा एकादशी करके उनको कृष्ण प्राप्त किया, उन्हें रात बड़े सुंदर स्वप्न देखे, दो बालक एक काले रंग के और उनको पीछे पीछे एक सुंदरी बालिका पीछे पीछे जा रही है, और ये नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किए और इनके हृदय से जसोदा के हृदय में गए, और माँ जसोदा ने दो बालक जन्म दिया, एक गोपाल जी को कृष्ण को और इनकी योग माया, केवल ये पुत्रदा एकादशी से है। उन्होंने तो एकादशी की इतनी कथा सुनाई, पंडित यानी सोची भैया इतने एकादशी की महत्व तो पंडित कथा में नहीं लाते थे, और उन्हें घर में आकर के ना उन्हें रोटी पूरी सब्जी नहीं बनाई, हलवा नहीं बनाई, उसी दिन फलाहार बनाई। इतने में पंडित जी आए जब पंडित जी आए पंडित ने फलाहार रखे, बोले तूने पूरी नहीं बनाई, हलवा नहीं बनाया, आलू दम आलू गोभी की सब्जी नहीं बनाई, बोले क्यों पंडित जी आप ही तो कथा में बोल रहे थे ये एकादशी व्रत करने से सारे पुण्य मिलता है, और एकादशी का दिन अर्ण में गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या क्या भाई ये सारे पाप अर्ण में रहता है तुम्हें तो सुना है, बोले इसलिए तो तेरे को मैं नहीं ले जाता था, इतना दिन से मैं कथा करता हूँ एक अक्षर भी मैं नहीं लिया और तू एक दिन भी गई तो इतने सारी चीज लेकर के आ गई, हाँ इतने सारे चीज को लेकर के। हाँ इसलिए पहला नंबर जो श्रोता है जो अच्छे श्रोता नहीं, पहला नंबर भुरुंडू मतलब ये चिड़िया है, उसको जैसे सुनाओ वैसे सुना देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर भी जीवन में आचरण में नहीं लाएगा। दूसरा नंबर है ऊंट, आप लोग ऊंट देखे हो, कौन कौन ऊंट देखे हो, सबके से देखे हो आप ऊंट को, कोई सुंदर सुंदर कोमल कोमल कोई पता दो देखना वो नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा, वो बबुल का पेड़ ढूंढेगा, बबुल जिसमें कांटा होता है ना वो कांटा वृक्ष ढूंढेगा, मतलब क्या, जिनको भगवान की प्यारी प्यारी कथा अच्छी नहीं लगती है, दुनिया की जो उल्टा पुल्टा बात हो ना कान फाड़ फाड़ कर सुनेंगे, वहीं जाकर के बैठेंगे, उसकी बेटी ने ऐसे की, उसके बहू ने ऐसे कर दी, उसको बेटा ने वो छोरी को लेकर भाग लिया, देखना सब ये सब बात सबको बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन भगवान की कथा में जिनकी रुचि नहीं, कभी कौन ऊट है। हाँ ध्यान देकर सुना, जो तीसरा नंबर है उसका नाम भेड़िया, इसको ध्यान से सुना, बात मत करो मैं सामने बैठा हूं ना, इसलिए भेड़िया, देखो भेड़िया किसको कहते हैं, ये छोटा जाति का एक बाघ होता है, और हिरण को कब आक्रमण करेगा, जब हिरण कोई
सुलील शब्द सुन करके मुक्त हो जाए उसी समय में उसके ऊपर आक्रमण करता है। मतलब क्या, ध्यान देकर सुनो, आली गांव की बकरियां, मतलब है जो कथा सुनते नहीं और पास में बैठ करके सुनने वालों को सुनने नहीं देते, बिना कारण से बात में बात करते रहे, कहते वो भेड़िया है। और जो चौथा नंबर है, चौथा नंबर बताए गधा। अब देखना गधे को पीठ के ऊपर में दाल चावल सब्जी सब कुछ ढो करके ले जाते हैं, लेकिन कभी मालिक एक गिलास पानी शरबत पिलाता है, कभी परठा उसको खिलाता है, कभी रोटी खिलाता है, सब्जी भले नहीं क्या खिलाता है, वही घास ही खाता है। मतलब अपना पीठ के ऊपर में सब चीज ढो कर ले जाते हैं लेकिन उसका रस नहीं मिलता है। इसका मतलब है जो सारे शास्त्र को तो पढ़ता है, पीठ को ढो कर ले जाता है, लेकिन अपना जीवन में कभी वो चीज को उतारता नहीं, कभी ये कहते हैं। इसलिए हमें और कथा चार तरह का, कितने तरह के क्या क्या है कोई बोल सकता है, किसको याद रखा, सीमा दीदी बोलो क्या याद होगा, काली दीदी बोलो, कुछ याद नहीं रखती हो, बोले सुन लेती हो। देखो सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण, सीमा दीदी को याद है। इसलिए ध्यान देख रहे सुनो, पहला नंबर है सात्विक। सात्विक मतलब कभी एक महीना दो महीना कथा सुने लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं रहता है, कभी इसको सात्विक। राजसिक किसको कहते हैं, बड़ी कथा को बड़े ठाठवाद से आयोजन किया, सारा दुनिया को बुलाई, कथा होगी लेकिन कभी कभी कथा में इतने बिजी हो गए, किसको क्या खिलाना पिलाना क्या, वो इतने बिजी हो गए जो मूल जो कथा सुनना वो कथा ही नहीं सुन पाए, इसको कहते हैं राजसी। बोले तामसी किसको कहते हैं, जैसे कथा 7 दिन तक सुने लेकिन कभी बीच में आए, कभी लास्ट में आए, कभी सुने कभी नहीं सुने, कभी एक चक्कर लगा करके आ गए। जो मन बेमन और मन से कथा सुनते हैं कभी कभी, इसको कहते हैं तामसी कथा। लेकिन ये कथा सही नहीं, सही कथा क्या है, जो अपना जीवन को ही कथा बनाते हैं। घर में रोज स्नान करे, ध्यान से सुनो, रोज स्नान करे और रोज तिलक लगाए, क्या करनी चाहिए, केवल ऐसे नहीं आज तिलक लगा करके आ जाएंगे, रोज तिलक लगा रहा है, ठीक है ना। जैसे आप देखना कोई व्यक्ति बिजनेस में जाते हैं तिलक लगा कर बेचते हैं, क्यों, उसका काम बन जाए, विजय लगने, जैसे माताएं मांग भरती हो सिंदूर भरती हो, है ना, क्यों लगाते हो, पति के लिए, किसके लिए लगाते हो, पति की सुहाग के लिए, ये पति के लिए तो जगत का पति के लिए लगाए, लेकिन जो परम पति जो असली पति है जो आत्मा की पति उसके लिए क्या, उसके लिए तिलक, ठीक है ना। इसलिए शास्त्र ने बताया जिनकी ललाट में तिलक है, जिनकी ललाट में तिलक है उसके शरीर में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी दुर्गा सावित्री गीता सती लक्ष्मी उसकी शरीर में निवास करते हैं, जो तिलक धारण करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को देखो तिलक लगा, भगवान राम को देखो तिलक, हनुमान जी को देखो तिलक, गणेश जी को देखो तिलक, नारायण को देखो तिलक, ठाकुर भी तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी भी तिलक लगाते, ठीक है ना, सबके सब तिलक जरूर अच्छे तरह से तिलक लगा करके आना कर ले, ठीक है। इसलिए कहते सही कथा क्या, जो रोज नियम करके घर में गीता हो रामायण हो भागवत हो रोज पढ़े और रोज ठाकुर का पाला जप करे, ठाकुर को जो कुछ खाए भोग लगाए, ठाकुर जी का आरत उतारे, हाथों में जो कुछ करे ठाकुर जी के सेवा मान कर करे, घर में झाड़ू लगाओ तो कहाँ लगा रहे हो, ठाकुर जी के मंदिर में लगा रहे हो, रसोई बनाते हो किसके लिए, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हो, ठीक है ना। इसलिए जो काम हर हर पल पल में जो भगवान को याद करे, इसलिए हाथों में काम और मुंह में नाम, मुंह में हाथों में काम और मुंह में नाम, बस बड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जिसने अपना जीवन को ही भगवान की भक्ति में प्रेम में बना दी, कहते यही कथा सही कथा है, हैं? अगर ऐसे कथा कोई सुनेगा ना, 5-7 दिन में सभी के लिए एक एक रथ आएगा और रथ में बैठ करके हम कहां जाएंगे, ठाकुर जी को पास में चले जाएंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो अभी हम कथा को खत्म कर देते, विश्राम कर देते हैं और कल से
कितने बजे कथा होगी?